अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर तक पहुंचने वाले जन्मभूमि पथ, राम पथ और भक्ति पथ के बाद अब भ्रमण पथ बनाने की तैयारी की जा रही है। यह भ्रमण पथ अब काशी की तर्ज पर राम मंदिर को सरयू नदी से जोड़ेगा। इसके पूरा होने पर राम भक्त सरयू स्नान के बाद सीधे रामलला के दर्शन के लिए जा सकेंगे। इस योजना पर करीब 24 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिसमें सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पथ राजघाट से सरयू नदी के घाटों से होते हुए भगवान श्री राम के मंदिर तक बनाया जाएगा। इस पथ में हेरिटेज टाइल्स और पत्थरों की परत के साथ साथ भगवान राम के जीवन के दृश्यों को दर्शाती पेंटिंग्स की मदद से पथ की दीवारों को सजाया जाएगा। सौंदर्यीकरण एवं नवीनीकरण की लागत का अनुमान यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा लगाया गया है। पर्यटन विभाग की योजना है कि श्रद्धालु और पर्यटक सरयू नदी में स्नान करने के बाद कई मार्गों से मंदिर तक पहुंच सकें। इससे भीड़ का दबाव भी एक मार्ग पर कम हो जाएगा। अभी तक की योजना में राम पथ होते हुए भक्ति और जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालु और पर्यटक जा रहे हैं, लेकिन भ्रमण पथ बन जाने के बाद सरयू में स्नान करने के बाद सीधे राम जन्मभूमि परिसर तक जा सकें। जानकारी के मुताबिक इसके बीच में कुछ मीटर पंचकोसी परिक्रमा मार्ग भी पड़ता है, इसलिए यहाँ पहले से ही चौड़ीकरण का प्रस्ताव मूर्त रूप ले रहा है। राम जन्मभूमि जाने वाले पथ पर भीड़ को देखते हुए, दर्शनार्थियों को देखते हुए एक पथ विकसित किया जाएगा, जिसे नए घाट से लक्ष्मण घाट होते हुए राजघाट तक जाएगा और राजघाट से सीधे राम जन्मभूमि जाएगा। इस पथ का सौंदर्यीकरण विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा 24.43 लाख रुपए दिए गए हैं और ये पूरी योजना जो है इस तरह बनाई जाएगी कि यात्रियों को कोई उसमें असुविधा ना हो और इसमें 5 करोड़ रुपए शासन से अवमुक्त कर दिए गए हैं। शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जैसे बहुत इस समय जन्मभूमि पथ, धर्म पथ और पथ बन रहे हैं, वैसे इसका चौड़ीकरण और इस पर मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जैसे पेयजल व्यवस्था है और जो है सुलभ प्रसाधन की व्यवस्था है, कुछ म्यूरल्स आर्ट की जो है जिस पर भगवान राम से संबंधित जीवन वृत्त को दिखाया जाएगा। इन सभी चीज़ों को सम्मिलित करते हुए ये पथ पूरा जो है जन्मभूमि तक पहुँचेगा।